दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट मंगोलपुरी में रहती हूँ। मेरे को नसों की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, और लाइफ फोर्स की वजह से मुझे इतना आराम मिला रहा लाइफ फोर्स की दवाई से, जिसको मैं बता भी नहीं सकती। और मुझे तकरीबन 11 साल से नस की प्रॉब्लम थी। शुरू में तो पहले डेंटिस्ट के पास गए तो उन्होंने मेरी RCT कर दी, फिर एक बार नहीं दूसरे डॉक्टर के गए तो दूसरे डॉक्टर ने भी डेंटिस्ट ने RCT करवा दी, तब भी मुझे इस नस के दर्द से बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने उन्होंने मेरी है ना दांत ही निकाल लिया, कुछ दिन बाद फिर वो पेन दोबारा शुरू हो गया, पर उसके बाद जब बिल्कुल वो रहा ही नहीं गया मेरे से, तो फिर हमने महाराजा इलाज करवाया था। मैंने कम से कम 2-2.5 साल तक इलाज करवाया, परंतु फिर भी उससे भी कोई आराम नहीं आया। वो फिर मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल में गई, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ से भी मेरा कम से कम 2.5 साल के करीब इलाज चलता रहा। लास्ट में उन्होंने मुझे एम्स के लिए रेफर कर दिया। एम्स में भी मैंने 2-3 साल तक दवाइयाँ खाई हैं, पर मेरे को बिल्कुल भी पेन में रिलीफ नहीं मिला, पेन बढ़ता ही गया। कम होने की बजाय वो खूब बहुत ज़्यादा होने लगा, और पैर दर्द इतना होता था जैसे कि बिजली के करंट के जो करंट लगता है ना, इतना दर्द होता था मेरे को। फिर एम्स में भी जब वो दवाइयों का असर खत्म होना शुरू हो गया, दवाइयाँ भी असर करना बंद कर दी, तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था मेरे यहाँ नसों पे, और वो भी मेरे को ना 1-2 दिन के लिए तो रिलीफ मिला, उससे वो दर्द दोबारा फिर बनना शुरू हो गया। तब मुझे कोई भी मतलब कहीं भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर हम जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से किया मैंने कुछ दिन इलाज। उन्होंने किसी और के बारे में बताया तिलक नगर, उन्होंने भी मुझे एक इंजेक्शन के लिए सलाह दी कि एक इंजेक्शन लगा देंगे जिससे आपको 1 से 5 साल तक के लिए रिलीफ मिल जाएगा, सिर्फ यहाँ सूजन रहेगी। तो मैंने हाँ भर दी और वो मैंने फिर अगले दिन इंजेक्शन लगवा लिया। इंजेक्शन से आराम तो रहा वो 1 साल की बजाय, वो तो 8-9 महीने बाद ही मेरा तो वो दर्द दोबारा शुरू हो गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरा सारा परिवार भी मेरी वजह से डिस्टर्ब रहने लगा, क्योंकि वो दर्द इतना था ना कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी मैं। और फिर मेरे हस्बैंड मेरी बेटी ने सब नेट पे देखा, तब हमें लाइफ फोर्स के बारे में पता चला। फिर मैंने लाइफ फोर्स से ऑनलाइन ही अपने सारा ट्रीटमेंट उनको भेजा, उनका